तो यार एक और नए गेम के वीडियो में तुम सभी का स्वागत है। और यार इस बार जो गेम हम खेलने जा रहे हैं वो है एल्डन रिंग। पर सबसे पहले तो यार मैं तुम लोगों के हाल पूछना पसंद करूंगा, कैसे हो तुम सभी लोग? क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया यार कोई भी गेम रिकॉर्ड किए हुए। बीच में मैंने कोशिश ज़रूर की थी गेम रिकॉर्ड करने की, पर फिर मैंने कहा यार छोड़ो, क्योंकि यार इतना सारा काम पड़ा है ना कि कभी दिमाग इधर रहता है कभी उधर रहता है कि कौन सा काम पहले करें, और जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसमें मैं सो जाता हूँ। मेरा तो एक टाइम पे गेमिंग तक से भरोसा उड़ गया था, पर उसके बाद मैंने एल्डन रिंग खेला। ये गेम इतना बढ़िया लगा ना मुझे, इतना रिफ्रेशिंग था कि मैं इसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार। पर अगले ही महीने इसका नया DLC आ रहा है, शेडो ऑफ द अर्थ ट्री, तो मैंने सोचा यार एल्डन रिंग दोबारा खेलना चाहिए और इस टाइम क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए गेम खेलते हुए। तो हियर वी आर, तो शुरू करते हैं। The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, ever brilliant gold mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome dung eater. And Sir Gideon Othnir, the all knowing. Again, bless a tarnished of no renown. Cross the fog,
and become the Elden Lord. ओके तो फाइनली मैं एल्डन रिंग खेलने जा रहा हूँ, और यार इससे पहले कि मैं कुछ भी करूँ मैं ये फैट रोल वाली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहूँगा। तो हेलमेट हटा लेते हैं, हालांकि ये वेपन मैं हटा सकता हूँ, पर इस टाइप के गेम्स यार मैं बिना हेलमेट के खेलना पसंद करूँगा। और यार वैसे भी कैरेक्टर क्रिएशन में टाइम दिया है तो थोड़ी बहुत शक्ल देखनी तो बनती है यार। ओके यहाँ पे क्या है, रीड मैसेज, दो द पाथ बी ब्रोकन एंड अनसर्टेन क्लेम योर प्लेस एज एल्डन लॉर्ड। ओके सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इस बंदी को यहाँ पे किसने मारा है। यार इस टाइप की चीज़ें देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब यार कोई किसी को ऐसी अंधेरी और अकेली जगह पे कैसे मार सकता है। कह रहे यहाँ पे और कुछ करने लायक तो दिख नहीं रहा है, जो पता चलेगा आगे ही पता चलेगा। तो देखते हैं दरवाजे के उस पार क्या है। चैपल ऑफ एंटिसिपेशन, ओके इस जगह का नाम चैपल ऑफ एंटिसिपेशन है। यार पेड़ तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एल्डन ट्री है शायद से, मुझे पक्का नहीं पता इसका नाम क्या है। और इससे पहले कि हम लोग कुछ भी करें मैं आजू बाजू चेक करना चाहूँगा, मैं कुछ मिस नहीं करना चाह रहा हूँ। ओके पहला ही दरवाज़ा ब्लॉक्ड है, बहुत शानदार। कोई नहीं आगे बढ़ते हैं, जस्ट बाजू में दरवाज़ा है यार, पर इधर कुछ है नहीं, खैर छोड़ो मुझे नहीं पता कैसे खुलेगा वो, आगे ही बढ़ते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यार सामने इतनी बड़ी रखी है, एक वहाँ पे भी है और यहाँ पे दो लगी हुई है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा यार। पेड़ की तरफ जाने का रास्ता तो यही दिख रहा है मुझे। अरे भाई अब ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है भाई, इतने सारे हाथ पैर, बंदा दो दो तलवार लाया है और शील्ड भी है, बताओ भाई कौन सा प्राणी है ये, कुछ ज़्यादा रेंज है उसकी। पागल हो गया भाई, पागल हो गया वो भाई, इतना खतरनाक, पहले से ही पगलाया हुआ है ये तो। यार मेरा मन नहीं कर रहा उसके पास जाने का, तुरंत पास भी आ जाता है ये भाई, भौंकता भी है ये। पास जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मेरा, बिल्कुल भी नहीं। क्या क्या कर क्या रहा है ये, गलत टाइम पे रोल कर दिया मैं, काफी हेल्थ आ गया मेरी भाई। क्या अरे यार मैं ब्लॉक भी नहीं किया, इतनी सारी हेल्थ खा गया वो मेरी, और अभी भी उसकी हेल्थ इतनी सारी बची है भाई। ये तो नाचता भी है, नाच नाच के मार रहा है वो। शिट 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 शिट, 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 शिट। गलत टाइम पे रोल कर दिया मैं।
Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Flask of Crimson Tears, Flask of Cerulean Tears. Okay, अब जाके flasks मिले हैं. तो गेम का हिस्सा ही था, मतलब मरना ही था. पर जो भी हो, ये कौन सी जगह पे लाके पटक दिया यार उसने मुझे? हट डिस्प्ले, यहाँ पे ये क्या चमक रहा है? ओ भाई, इस जगह पे काफी अंधेरा है यार, मुझे कुछ नहीं दिख रहा. मुझे नहीं लगता इधर से मैं ऊपर जा भी पाऊंगा. खैर कोई नहीं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं और इस जगह पे. The cave of knowledge lies below. Okay. Jump down the hole ahead and you'll find the cave of knowledge. There you can learn more about game controls and basic actions as well as other tips that may be helpful during your adventures in the lands between. Okay. फिलहाल तो इस बंदे से बात करते हैं. क्या कर रहा है भैया यहाँ पे बैठा बैठा? Brave tarnished, take the plunge of learning and remembrance. Recall the arts of war and your warrior's blood. Okay, thank you. और कुछ बोलेगा ये? Okay, अब तो बस रिपीट कर रहा है बातें. खैर कोई नहीं, नीचे चल के देखते हैं और क्या क्या है, क्या चीज़ें पता चलती हैं हमें. Use item, switch item. Okay. Item use करने की ज़रूरत तो नहीं लग रही मुझे. आगे बढ़ते हैं. Sites of Grace. Resting at Site of Grace will restore your HP, FP and cleanse any status ailments. It will also refill your sacred flasks. However, most of the enemies you have defeated will be revived. You can find Sites of Grace by going where light converges. These explanations are required in the form of info items and can be accessed from the inventory at any time. Okay. हालांकि मुझे इधर बैठने की ज़रूरत नहीं लग रही है अगर ऐसा है तो. मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया अभी. ओ हेलो, रीसेट कैमरा. ये मैं मिडल माउस बटन से करता हूँ. बट ये तो नूब है यार, एक ही बार में गया. हालांकि ट्यूटोरियल एरिया में क्या ही आएंगे. शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक. ओके. Use an armament in your left hand or both hands to guard against incoming attacks. Guarding consumes stamina. Guard. ओके, ये भी ट्राई कर लेते हैं. यू कैन अवॉइड एनिमी अटैक्स विथ अ डॉज रोल और बैक स्टैप. बोथ ऑफ दीज एक्शंस कंज्यूम स्टेमिना. WASD प्लस स्पेस डॉज रोल स्पेस बैक स्टैप. ओके, ये भी ट्राई करते हैं. बैक स्टैप रोल. क्या क्या कैसे मरे हुए खड़े हैं यहाँ पे? मरे ही हुए हैं क्या ये? शायद. F to jump, okay. ओहो, क्रॉसबो चलाएगा ऊपर से. ठीक है, मौका मिला तो इसको भी पेलेंगे. In every corner of the lands between you'll find fruits and flowers, mushrooms and butterflies and various other useful materials. These materials can be used for item crafting. फ्री फोकट की सामने सामने ही मिल रही है तो क्यों ना लें. स्विच राइट आर्मामेंट, राइट हैंड आर्मामेंट, स्विच लेफ्ट हैंड आर्मामेंट, ई प्लस राइट और लेफ्ट क्लिक, विल्ड विथ टू हैंड्स. ओके, ये भी ट्राई करते हैं. और दूसरा वेपन भाई, कहाँ शील्ड लेके खड़ा हुआ है? हटा उसको, मारने दे.
काफी बड़ा वेपन है, मैं तलवार ही निकाल रहा हूँ अपनी। ओके, चेंजिंग टारगेट, ये भी बढ़िया चीज है यार। इनके बस की नहीं है, ये नूब हैं, ये नूब एनिमीज हैं। ये रहा मिला मौका, ले मार था। अरे नहीं, मैं इसको मार के जाऊंगा, गिर गया वो भाई। ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मुझे मार रहा था और मैं छोड़ दूँ उसको, ऐसा थोड़ी ना होता है। दोबारा ऊपर चढ़ जाऊँगा, उसमें क्या है। यहाँ पे रोशनी कहाँ से आ रही है? अच्छा यहाँ पे कुछ है। अरे मैं फिर गिर गया नीचे यार, उसको देखने के चक्कर में फिर घूम के आना पड़ेगा मुझे। आधा टाइम वेस्ट तो यही हो गया मेरा। ओके, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक स्किल। ओके, ये तो पैरी स्किल है, वेपन की स्किल देखनी मुझे। ये क्या हो रहा है, दबा के तो रखा है यार मैंने राइट क्लिक। अटैक भी करना पड़ेगा क्या लेफ्ट क्लिक से? हाँ उससे हुआ। ओके, क्राउच टू मेक इट हार्डर फॉर एनिमीज टू डिस्कवर यू। अटैकिंग एन एनिमी दैट हैज नोटिस्ड यू विल कॉज मोर डैमेज देन यूजुअल। ओके, ग्रास में ज़्यादा फायदा होगा, वो तो सामने ही सामने है, कहाँ छुपूँ मैं, उसको तो मारना पड़ेगा ना। हाँ डैमेज तो ज़्यादा हुआ वैसे, फिर भी दो बार मुझे उसको मारना ही पड़ा। नियर अ बैक टर्न एनिमी क्रिटिकल हिट। ओके, क्रिटिकल हिट ज़्यादा डैमेज करता है। यहाँ पे क्या है यार, इस जगह से मैं घुस नहीं सकता, मैं होता तो घुस जाता। ओके, होल्ड शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक चार्ज अटैक, शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक वाइल जंपिंग जंप अटैक। ओके, खड़े रहे, ये बढ़िया है, ये सही में बढ़िया है। अपॉन डाइंग यू विल बी रिवाइव्ड एट द लास्ट साइट ऑफ ग्रेस दैट यू विजिटेड, हाउएवर इफ देयर इज अ स्टेक ऑफ मारिका नियर वेयर यू डाइड यू कैन चूज टू बी रिवाइव्ड देयर इंस्टेड। ओके, ये क्या है, बॉस रूम लग तो ऐसे ही रहा है। सोल्जर ऑफ गॉड ड्रेक। ओके, सही में बॉस रूम है ये। शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक इमीडिएटली आफ्टर ब्लॉकिंग एन अटैक गार्ड काउंटर। ओके, ये भी ट्राई करते हैं। ओ भाई, ये बढ़िया है, ये बॉस नहीं था, मतलब एरिया उस टाइप का बनाया है, पर यार इतनी आसानी से बॉस नहीं मरता। हालांकि ट्यूटोरियल वाला एरिया है, क्या एक्सपेक्ट करूंगा मैं। और यहाँ पे और कुछ नहीं यार, वो वहाँ पे जो रखी हुई थी चीज़, उधर तक कैसे पहुँचा जाए? मतलब मैं तो घूम के आ गया, मुझे कोई जगह नहीं मिली वहाँ जाने की। स्ट्रेंथ, ओके, इस गेम में भी इमोट्स हैं। शुरुआत में सबसे पहले एक मिला था शुरुआत में। यहाँ पे एक और ट्री है, इसके साथ मैं इंटरेक्ट नहीं कर सकता। खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं, आगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक और साइट ऑफ ग्रेस यार, ये क्या चीज़ है यहाँ पे? अच्छी जगह ब्लॉक पे मैं जा नहीं सकता, इसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा क्या? यूज स्टोन सॉर्ड की। बंदा चेक भी कर रहा है, उसके पास स्टोन सॉर्ड है नहीं, तो फिर भी चेक कर रहा है। यहाँ पे है क्या? कोऑपरेटिव मल्टीप्लेयर, यूज टार्निश्ड वर्ल्ड फिंगर टू राइट अ गोल्ड समन साइन। ओके, तो मल्टीप्लेयर आइटम्स है, मल्टीप्लेयर तो मैं वैसे भी नहीं खेलूंगा इस गेम प्ले, इस प्ले थ्रू में मैं वैसे भी मल्टीप्लेयर तो खेलूंगा नहीं।
यार मेरा कैरेक्टर कितना मासूम दिख रहा है यार, जैसे पता नहीं कहाँ ला के उसको खड़ा कर दिया है। यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, एक एक दरवाज़ा है, देखते हैं। ओ भाई लिम ग्रेव, क्या तो जगह यार। इस गेम के ग्राफिक्स बहुत बढ़िया हैं सही में। सबसे पहले तो मैं ये एक्टिवेट कर देता हूँ ये ग्रेस, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ भी। ग्रेस एग्जिस्ट टू गाइड द टार्निश्ड एंड लीड देम अलोंग द प्रॉपर पाथ। इवन नाउ सम साइड्स ऑफ ग्रेस रिटेन दैट पावर, देयर गोल्डन रेज विल गाइड यू अलोंग योर वे। यार मुझे नहीं लगता मैं सारी चीज़ें पढ़ूंगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें पढ़ने लग गया मैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे गेम कंप्लीट करने में, और ये सारी चीज़ें कौन पढ़ता है। तुम लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो चीज़ें, मैं नहीं पढ़ूंगा पूरी चीज़ें। ये बंदा कौन है? ये बंदा मुझे शेडी लग रहा है सही में। इसका गेटअप मुझे पसंद नहीं आ रहा है, घपलेबाज तो नहीं है ना ये। चलो बात करके देखते हैं। इसको स्क्रीन की मिडल में रखूंगा मैं, दोनों की शक्ल दिखनी चाहिए। Oh yes, tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Wah, kya to motivational words the. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you tarnished. You may also behold its golden rays pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. भाई अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अपनी तारीफ कर रहा है और यहाँ पर डिमोटिवेट भी कर रहा है, बहुत बढ़िया। Grace's guidance will reveal the path forward, most certainly. To Castle Stormvale, over on the cliff. The home of the decrepit demigod, Godric the Grafted. It's time you set off, I should think, to Castle Stormvale on the cliff, where Grace would guide you. If you seek the Elden Ring, maidenless as you are. Okay, ठीक है। ये उस साइड पॉइंट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से उसी साइड जाना है। हाँ उसी साइड पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे एक बॉस भी दिख रहा है मुझे शायद। यार बॉस ही होगा, फ्रेंडली तो हो नहीं सकता। सोल्स गेम में यार ऐसे अगर कोई सब बड़ा कुछ घूम रहा है, फ्रेंडली तो हो ही नहीं सकता वो। ओके यहाँ पे क्या है? In each area you may find effigies of martyrs. These effigies are summoning pools. You will find it easy to summon other players at these locations. Okay, ये भी co-op वाला आइटम है, हालांकि मैं इसको एक्टिवेट तो कर ही देता हूँ जस्ट इन केस। इससे लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए? पोशंस कह रहा हूँ, फ्लास्क तो मिल ही गए मुझे, हालांकि मुझे लग रहा है मुझे काफ़ी पिलेगा। ट्राई कर ही लेते हैं यार। भाई तू इधर थोड़ी ओपन वाली जगह पे आ, उधर नहीं लड़ूंगा मैं, पता चला पत्थरों के बीच में फंस गया मैं। ओ भाई 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 भाई, भाई जिस साइड उसका वेपन है मैं उसके अपोजिट साइड रहूंगा।
कोशिश वही करूंगा मैं। दूसरा वेपन निकाल लूं क्या मैं, या फिर वेपन रहने ही दो। ओहो नाइस, यार वो मुझे दूसरे साइड जाने ही नहीं दे रहा है। फक यार, थोड़ा आराम से ही मारूंगा मैं इसको। बच गया बच गया बच गया बच गया। इसकी हेल्थ तो आधी कर दी मैंने भाई, कूद के भी मार रहा हूँ मुझे। क्या क्या मूव मारने लग जाते हैं ये लोग। मैं फिर पत्थरों के बीच में आ गया। भाई क्या क्या मार रहा है ये, अब शील्ड से भी मारेगा। मार सकता हूँ इसको, मैं मार सकता हूँ होपफुली। पत्थरों में नहीं मारूंगा मैं इसको, मेरी ज़्यादा बजेगी उधर। अब ये क्या है यार, ये इस साइड क्यों नहीं रुक रहा है। ये गलत है, ये गलत है, ये सही में गलत है। क्या क्या मारने लगा है अब ये। यार अब स्पैम कर रहा है बस ये अपने अटैक्स। बैन कर रहा है अपना अटैक्स, वो और कुछ नहीं। ब्लास्ट नहीं बचे मेरे पास ज़्यादा। ओ भाई भाग नहीं पाया मैं। मर जा, ऑलमोस्ट गया यार, ऑलमोस्ट गया है। प्लीज शिट, मैं मार नहीं पाया। शिट 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 गया मैं। मार दिया भाई, मार दिया मैंने उसको। ओके, कोई सा वेपन मिला है भाई। मेरी हेल्थ बिल्कुल नहीं बची है। हैवी लोड, और मैं वैसे भी यूज नहीं कर सकता हूँ। एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ 30, डेक्स 14, फेथ 12, और मेरा कैरेक्टर अभी नया ही है भाई। मार दिया, मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है। भले ही मैं वेपन यूज़ ना कर पाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये कौन है भाई? भाई ये काफ़ी बढ़िया था, ये सही में काफ़ी बढ़िया था। उम्मीद नहीं थी कि पहली ट्राई में मार दूंगा मैं उसको, पर यार काफ़ी खुशी हो रही है, सही बता रहा हूँ भाई। और कोई ना मिल जाए वरना ऐसे तैसे हो जाएगी। यहाँ पे साइट ऑफ ग्रेस है, एक्टिवेट करके रिस्टोर करो सारी चीज़ें। यू कैन इंस्टेंटली ट्रेवल टू एनी ऑफ द साइट्स ऑफ ग्रेस दैट यू हैव डिस्कवर्ड, हाउएवर देयर आर सम डंजियंस एंड अदर एरियाज वेयर दिस कैन नॉट बी डन। ओके, मुझे उससे मतलब नहीं है अभी। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उसको मार दिया।
थोड़ी खुशी मना लेने दो मुझे। ये बंदा तो नहीं है ना भैया, ये बंदा तो नहीं पेलेगा ना मुझे, लग तो नहीं रहा। स्ट्रेंथनिंग आर्मामेंट्स एट अ स्मिथिंग टेबल, यू कैन स्पेंड रूनस एंड स्मिथिंग स्टोन्स टू स्ट्रेंथन योर आर्मामेंट्स। ओके, स्मिथिंग स्टोन मिला है एक, देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे। यू कैन स्पेंड रूनस एंड स्मिथिंग स्टोन्स टू स्ट्रेंथन योर आर्मामेंट्स, यू कैन स्ट्रेंथन योर आर्मामेंट्स अप टू प्लस 3 एट अ स्मिथिंग टेबल, समवेयर इन द लैंड्स बिटवीन यू मे मीट अ ब्लैक स्मिथ हु कैन मेक योर आर्मामेंट्स इवन स्ट्रॉन्गर। ओके, अभी तो मैं वैसे भी शायद से कुछ नहीं कर सकता हूँ, स्टोन्स नहीं है मेरे पास उतने। देखते हैं ये कौन बंदा है, चलो इससे भी बात करके देख लेते हैं। You're tarnished. I can see it. But I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Kale, purveyor of fine goods. Okay, मैं भूल गया उसने अपना नाम क्या प्रोनाउंस किया था, पर ठीक है, उसके बारे में पूछते हैं भाई जरा थोड़ा बहुत। I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. ठीक है भाई, देखते हैं क्या रिकमेंड कर रहा है ये। You know, if you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really. If you intend to survive out here for any duration, the kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. काफी honest बंदा यार, इसकी बात मान लेते हैं। Crafting kit खरीदते हैं सबसे पहले तो। Okay, 300 runes लगेंगे। और कुछ खरीदूं कि नहीं खरीदूं मैं, हालांकि रूनस की ज़रूरत पड़ेगी मुझे लेवल अप करने के लिए। तो एक काम करते हैं, अगर बाद में अगर बचे मेरे पास रूनस तो फिर ख़रीद लूँगा, अभी के लिए तो वही चीज़ काफ़ी है। I'm glad you took my warning to heart. You've made an excellent choice. Okay, thank you very much. Item crafting. You can learn to craft more items by finding cookbooks. Okay. तो रेसिपीज अनलॉक होती है। यू विल नीड क्रैक्ड पॉट्स और अदर कंटेनर्स टू क्राफ्ट सर्टेन आइटम्स। यू विल नॉट बी एबल टू मेक मोर ऑफ दोज आइटम्स देन यू हैव कंटेनर्स। कंटेनर आइटम्स विल रन आउट विद यूज बट द कंटेनर्स देमसेल्व विल रिमेन। ओके, ये उस तरफ पॉइंट कर रहा है, चलो उधर चलते हैं। अब मैप देख लेने दो मुझे। ओके, यहाँ पे रास्ता है, रास्ता फॉलो करना है मोस्ट लाइकली। ठीक है, बीच में या दो तीन लोगों को मारते हुए चलेंगे अगर कुछ मिले तो, क्योंकि रूनस मिलते रहेंगे तो बढ़िया है। वो पीछे मुड़ गया, मेरे लिए आसान है, बैक स्टैब करूँगा मैं इसको। वन हिट के, नाइस। ओके, यहाँ पे और बंदे दिख रहे हैं। ओ, एक यहाँ पे भी बैठा है और एक वहाँ पे भी है। चलो पहले ये वाला साइड चेक करते हैं, रास्ते में ही खड़ा है, इसको बाद में देख लेंगे। पता नहीं किसको देख रहा था ये बंदा। ओके, वहाँ पे एक और है, वो बस ना देख ले मुझे इसको मारते हुए, नहीं तो समस्या हो जाएगी। क्राउच करके जाऊंगा मैं। क्या चेक कर रहे हैं लोग यहाँ पे? ओ, यहाँ पे गुफा टाइप की कोई जगह दिख रही है मुझे, मशरूम ग्रोव साइड केव। ओके, केव ही है ये, इसको भी एक्टिवेट कर ही देते हैं। इधर जाऊं कि नहीं जाऊं यार, काफ़ी अंधेरा है इस जगह पे, सही में कुछ नहीं दिख रहा है। और वहाँ पे वो क्या है, भेड़िया?
भेड़िया है वो। मुझे नहीं लगता मेरा जाने का मन है इधर, अभी गेम शुरू ही हुआ है, पता नहीं अंदर और क्या निकल आएगा। खैर छोड़ो, इधर मैं बाद में आता हूँ, बाद में एक्सप्लोर करेंगे केव्स। इसको पेलते हैं। कुछ मिला इसको मारने पे भी, बोल्ट। ओके, ये क्या चीज है, यही आवाज निकाल रही थी वो जो मुझे सुनाई दे रही है क्या भाई? भग भी रहा है। गायब हो रहा है वो। There are both crimson and cerulean teardrops, scarabs, defeat them to replenish the flasks that match their type. However, you cannot replenish more flasks than your maximum amount allows. Okay. मतलब इनके गायब होने से पहले इनको मारना पड़ेगा, नहीं तो replenish नहीं कर पाऊंगा मैं अपने flasks. Okay. यही आने को कह रहा था मैप शायद। चीज़ें कलेक्ट करते हुए चलते हैं जितनी कलेक्ट कर सकते हैं। A chamber lies under the ruins. Okay. इसको पेलते हैं। पीछे से जा सकता हूँ क्या मैं उसके? देख रहा है मुझे ही देख रहा है ऑब्वियसली यार, सामने से थोड़ी ना जा पाऊंगा मैं उसके पीछे। चलो पीठ दिखा दी। Okay, वहाँ पे एक और कुछ आइटम रखा हुआ है। गेट फ्रंट रुइंस यार, एकदम बीचों बीच से तो नहीं घुसूंगा मैं। यहाँ पे एक और एनिमी है, ये देख रहा है उस साइड, इसको मार सकता हूँ मैं। यहाँ पे भी एक भेड़िया घूम रहा है उनके साथ। देख लिया क्या? इस वाले को पता नहीं चला, बस इसको भी पेल दूंगा मैं। हालांकि मुझे नहीं पता उस भेड़िए का डैमेज कितना होगा, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा इससे। इधर ही आ रहे हैं क्या? पेलो। शिट, मैं बैक स्टेप करना चाह रहा था। दो आ रहे हैं, देख लिया। अच्छा, इसको पता ही है। आ जा भाई, जल्दी आ। ओके, बैक स्टैप। चलो इसको भी पेलो जल्दी से। शिट यार, इसको नहीं कर पाया मैं बैक स्टैप। आग से भी मारेंगे अब। इधर आ भाई, तू इधर आ। छुप काहे हुआ है? और वहां पे एक और बंदा दिख रहा है मुझे, शील्ड वाला। ये काहे को दूर भाग रहा है यार? ये बंदा मुझे थोड़ा डेंजर लग रहा है, इससे पंगा नहीं लेना चाहूंगा मैं। इसको भी पीछे से पेला जाएगा। ओ भाई, इधर मत देखना प्लीज। नाइस, हेल्थ काफी है इसकी, मतलब आज है। इधर आ भाई, पीठ दिखा। ओके, अब तो पेल सकता हूँ ना मैं इसको। मर गया, बहुत शानदार। गॉडरिक नाइट ग्रीव्स। ओके, मुझे और इसके स्टैट्स अच्छे हैं पर हैवी लोड हो जाएगा और फिर से फैट रोल करने लगूंगा मैं, तो कोई मतलब है नहीं। या फिर ये वेपन हटा ही देते हैं यार, ये लंबा है, अभी काम नहीं आएगा मेरे। चलो इसको मारने चलते हैं। ओके, यहाँ पे एक और है। ओ भाई अलर्ट कर रहा है सबको। ओ भाई, सब आ गए, सबको ला लिया वो।
shit, shit, shit. सब के सब आ गए. हालांकि इतना डैमेज फिर भी नहीं दे रहे हैं. शील्ड वालों से नहीं निपटना मुझे, वो बड़ी शील्ड वालों से. अरे भाई रुक जाओ, बारी का इंतजार करो अपनी. सबको पेलूंगा. भाई तेरी बारी है. इंतजार होता ही नहीं है इन लोगों से वॉर पे. ये वेपन यूज कर सकता हूँ मैं, पर इसके स्टैट्स इतने कुछ खास नहीं है. एक्वायर मटेरियल्स. स्मॉल्डरिंग बटरफ्लाई. ओके यहाँ पे ये क्या चीज़ है. मैप पाउंड. ओके नाइस. लिमग्रेव वेस्ट. ओ भाई काफ़ी पोर्शन रिवील कर दिया यार इस मैप ने. खैर अपने लिए बढ़िया है. वहाँ पे एक साइट ऑफ ग्रेस दिख रही है मुझे. ओके यहाँ पे भी एक साइट ऑफ ग्रेस है. अच्छा मैं यार वो जगह चेक करना भूल गया. यहाँ पे सीढ़ियाँ थी. सीढ़ियाँ चेक करते हैं भाई. अंदर कोई ना निकला है. पता चला अंदर एक और बॉस. ओ चेस्ट है यहाँ पे. बढ़िया. ओके एडिंग स्किल्स विथ अ वेटस्टोन नाइफ. यू कैन यूज एशेज ऑफ वॉर टू ग्रांट योर आर्मामेंट्स न्यू स्किल्स एट साइट्स ऑफ ग्रेस. ओके you can use ashes of war to grant affinities to your armaments at sites of grace. चलो ठीक है ये सब तो अपन देख लेंगे. ये सब चीज़ें क्या हैं. ये है क्या चीज़ें. और यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है. फ्लेल. ओके वाला साइट ऑफ ग्रेस एक्टिवेट करके ही आते अपन. वहाँ पे एक और है वो चेक करते हैं फिर. ये वाला एरिया थोड़ा खुला हुआ है. अगर मैं इधर रेस्ट करूँगा तो ये सारे एनिमीज रिवाइव हो जाएंगे, तो ये जगह मैं चेक करता ही हूँ पहले. मेरे ख्याल से तो मैं सबको मार चुका हूँ इस जगह पे. उसने मेरा काम आसान कर दिया था सबको बुला के. वो यहाँ पे एक और है. ये देखो छुप के बैठा है. तू काहे को छुपा हुआ है भाई यहाँ पे. ओके वैंक्विशिंग एनिमी ग्रुप्स विल रिप्लेनिश योर फ्लास्क. द नंबर एंड टाइप ऑफ फ्लास्क टू बी रिप्लेनिश्ड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एनिमी ग्रुप. यू कैन नॉट रिप्लेनिश मोर फ्लास्क देन योर मैक्सिमम अमाउंट अलाउज. ओके ये भी बढ़िया है. अगर ग्रुप में मारोगे लोगों को तो आपके फ्लास्क रिस्टोर हो जाएंगे. ये बढ़िया चीज़ है. रोइन फ्रैगमेंट. यहाँ पे एक और कुछ. यहाँ पे एक और चेस्ट रखा हुआ है. चेक करते हैं. लॉर्ड सॉन्स ग्रेट सॉर्ड. ये वेपन यूज़ करना पसंद करूँगा मैं. हालांकि मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ. अनेबल टू यूज़ दिस आइटम इफेक्टिवली विथ प्रेजेंट एट्रीब्यूट्स अनलेस वील्डेड विथ बोथ हैंड्स. ओके मतलब अगर मैं दोनों हाथ में रखूँ तो यूज़ कर सकता हूँ. ओके हर वेपन की अलग स्किल है. हालांकि मुझे नहीं लगता मैं यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि यार एक शील्ड मुझे रखनी है. मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा है नहीं. लेवल भी नहीं है मेरा. मेरे कैरेक्टर का लेवल भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है. चलिए इधर रेस्ट कर लेते हैं.
Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. क्यों नहीं बिल्कुल वाइफ के लिए कुछ भी. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Okay, सबसे पहले तो मैं level up करना पसंद करूँगा. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. मैं भूल गया यार वो वेपन यूज करने के लिए मुझे यार मैं भूल गया मुझे वो वेपन यूज करने के लिए कितने मतलब यार मैं भूल गया मुझे वो वाला वेपन यूज करने के लिए क्या स्टैट्स चाहिए. ओके चेक कर लेते अपन. ओके हॉर्सबैक राइडिंग. ओ ये बढ़िया है हमारे पास खुद का एक घोड़ा होगा. Use the spectral steed whistle to summon and ride your spectral steed. You can dismount by using the whistle again or by pressing X. Okay. Pouches. From pouch in the menu, you can equip 6 items to your pouches. 4 of those items can be used without opening the main menu. Okay. ये ठीक है. ये बढ़िया चीज़ है. Okay. ये सब तो हो गया. हाँ. वो वाला weapon use करने के लिए मुझे क्या stats चाहिए? वो check कर लेने दो मुझे. स्ट्रेंथ 16. ओके अभी करंट स्ट्रेंथ क्या है मेरी 14. ओके ठीक है लेवल अप कर लेता हूँ फिर उसके बाद मैं हेल्थ और स्टेमिना में लगा सकता हूँ फिर बाकी के पॉइंट्स. ओके रूनस नीडेड अभी तो काफ़ी रूनस है मेरे पास. विगर से एचपी बढ़ेगा. ओके एचपी बढ़ा लेते हैं. एंड्यूरेंस की माइंड. ओके माइंड से तो एफपी बढ़ेगा. एफपी की मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से अभी. स्टेमिना बढ़ा लेते हैं. एक कुछ और लेवल अप कर सकता हूँ मैं. क्या करें एचपी करते हैं अभी के लिए तो फिलहाल एचपी कर लेता हूँ मैं बाद में देखेंगे. फाइनली ये वाला वेपन मैं यूज़ कर सकूँगा. वेपन दिखने में भी बढ़िया है हालांकि थोड़ा हैवी स्विंग है उसका. खैर कोई नहीं मेरे पास कितने रूनस बचे हैं 277. यार थोड़े बहुत एनिमीज़ को मारते हैं फिर उसके बाद वापस चलते हैं अपन मर्चेंट के पास अपने क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें ख़रीदनी है उस बंदे से. यार इतना डैमेज तो नहीं देते ये लोग तो घुस के पेल दूँ क्या मैं इनको. एक काम करते घुस के पेलते हैं अगर मुश्किल हुआ तो पेल देंगे अपन मतलब पेल दूँगा कह रहा हूँ भग जाएंगे अपन इधर से.
हेलो तो घुस घुस के पेलूंगा मैं. शील्ड मिली है कोई सी. ओ शिट, इनके बारे में तो मैं भूल ही गया था. वे दूर मत भाग भाई, उनके पास का ही लेके जा रहा है. ये भी भगता हुआ आ जाएगा. उस बंदे को दिख नहीं रहा है. और भाई मैं इधर हूँ, मत देखो मेरा क्या जा रहा. मेरे लिए अच्छा है. अंधेरे में दिखता नहीं है क्या इनको? इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा हेलमेट पहन रखा है. अब देखा उस बंदे को. आ जाओ. इस तलवार का है ना अच्छा खासा डैमेज. मारा ही नहीं उसने मुझे. यार अब मजा आ रहा है मारने में. कितना एक्सपी कह रहा हूँ, सॉरी रूम्स. रूम्स लेके ही जाऊंगा मैं. तो मेरे ख्याल से इतने रूम्स काफ़ी होना चाहिए. ओके चलते हैं. फास्ट ट्रैवल मैं यहाँ से कर सकता हूँ डायरेक्टली. ओके यहाँ कर सकता हूँ, ये बढ़िया है. चलो May I have a word? ये कौन आ गया? इस बंदे को क्या हो गया भाई? सो रहा है क्या ये? चलो देखते हैं ये कौन है. बात करते अपन. A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Renna. I'd heard tell of a Tarnished hurtling about atop a spectral steed. And upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. हालांकि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया और मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था, पर हाँ मैं ही हूँ वो. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Spirit calling bell. Lone wolf ashes. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the earth tree. The spirits will obey thine command but briefly. As they recall battles past. Now it is thine. To do with as thou wishest. Okay, with a spirit calling bell you can use the ashes to summon various spirits. Summoning typically consumes FP. You can only summon one type of spirit at a time. You cannot summon spirits during multiplayer. Okay, multiplayer तो मैं वैसे भी नहीं खेलने वाला हूँ. Forgive mine intrusion, Tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the Tarnished tire of obeisance to the two fingers? Oh. गायब हो गई है. चांद कितना बढ़िया दिख रहा है वो. ओके ये वापस जग गया ये. अच्छा शायद से कुछ इफेक्ट होगा वो. ओके चलो भाई मुझे थोड़ी बहुत चीजें चाहिए तुमसे. Wait, weren't you? Well, you're back. Care to buy something? बात करें क्या थोड़ी बहुत इससे? चलो बात करके देखते हैं. There are others of my people who yet survive in these lands. If the mood takes you and you meet one, then offer them some trade, won't you? My people, wanderers all have long been spurned by the grace of gold, which is why we cannot settle, but instead are forced into this pitiful, unceasing journey. But thanks to that, things are not so different for us now, though the Elden Ring is shattered. I think this makes us kindred spirits of sorts. Your people, the Tarnished, and mine. Perhaps you don't need to hear this, but see that no harm comes to my kin. We have a saying, we wanderers, lament not your solitude.
Expect no sympathy, no regard, nothing. But if anyone dares harm us, show them no mercy. That is our code, so to speak. Just the way we are, deeply unforgiving. भाई कोई मुझे मारेगा तो मैं उसको obviously मारूंगा यार. ये चीज़ें, ये क्या है? टेलीस्कोप. टेलीस्कोप की ज़रूरत है मुझे. कितने का है? 500 का है. ओके, यहाँ पे थोड़ी बहुत कुक बुक हैं. इस पर नहीं खर्चा कर लूँ मैं? दो ही खरीद सकता हूँ मैं. तो खरीद ही लेते हैं यार अपन. गुड बाय, नाइस टू डू बिजनेस. ओके, सबसे पहले तो अब मैं वो चेक करना चाहूँगा जो मुझे मिला है, उसको अपन इक्विप कर लेते हैं. मैंने चेक ही नहीं किया यार, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था. ओहो, हमारा खुद का दोस्त यार, ये सही में काफ़ी बढ़िया है. घोड़े पे बैठे बैठे मैं इसको पेल सकता हूँ. टॉरेंट, घोड़ा नहीं होगा, टॉरेंट. क्या मिला? बोल्ट. यार ग्राफिक्स कितने बढ़िया हैं इस गेम के, सही में. वो बॉस दोबारा आएगा? हालांकि मुझे नहीं लगता वो दोबारा आना चाहिए, पर मेरे ख्याल से नहीं आया था ना. मैं ऊपर भी रेस्ट किया हूँ, शायद से नहीं. ओके, ऑब्वियसली नहीं आएगा, बॉस ही था वो. ये क्या आवाज़ आ रही है? ये चिल्ला रहे हैं? यही आवाज़ कर रहे हैं यार? कई सारी बॉडीज लटकी यहाँ पे, यही आवाज निकाल रहे हैं. इनको मैं निकाल नहीं सकता इस जगह से? ओके, नहीं. ये क्या है? पिकअप आइटम, गोल्डन रून. ओके, कुछ आइटम्स मिल रहे हैं. वो बंदा अभी तक वहीं पे खड़ा है. खैर कोई नहीं, मेरे ख्याल से तो पहले वीडियो के लिए काफ़ी अच्छी शुरुआत रही. तो यार इस वीडियो में तय, फिर मिलूंगा एल्डन रिंग के एक और नए वीडियो के साथ, और होपफुली डीएलसी आने से पहले इस गेम को मैं कंप्लीट कर सकूंगा.